बीजेपी के कुछ पिट्ठू शिरोमणि अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने जैसा किया, यहां भी वैसा ही करना चाहते हैं। ये कहना है पंजाब की शिरोमणि अकाली दल से इकलौती सांसद हरसिमरत कौर का, जिसके ये बयान आने के बाद अब कयास लगने लगे हैं कि क्या पंजाब में भी अब वही होगा जो कुछ समय पहले महाराष्ट्र में हुआ। पंजाब से अब बड़ी टूट फूट की खबर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के विरुद्ध बगावत तेज हो गई है। पार्टी के असंतुष्ट धड़े ने जालंधर में अलग बैठक कर बगावत का बिगुल बजा दिया। बीते दिनों जालंधर में बागी नेताओं ने घंटों बैठक की और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ नारे लगाए। इन सब मुद्दों पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के कुछ पिट्ठू शिरोमणि अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जैसा महाराष्ट्र में किया वही अब यहां पंजाब में भी करना चाहते हैं। ये वो पांच लोग हैं जो बीजेपी के पिट्ठू हैं, वही मांग कर रहे हैं। बाकी पूरी पार्टी सुपीजी के साथ स्ट्रांगली खड़ी है, कोई अकाली दल में कोई स्प्लिट नहीं हो रहा। हाँ, भाजपा कोशिश कर रही है और ये कोशिश में बिल्कुल विफल होगी। इन्होंने जैसे महाराष्ट्र में भी कोशिश करी, इनको मुंह तोड़ जवाब लोगों ने दिया और यहाँ पे तो वैसे ही लोग भी सुखबीर जी के साथ हैं और पार्टी भी सुखबीर जी के साथ है। जो बागी नेताओं के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं उन्हें लेकर हरसिमरत कौर का बयान देखें तो उन्होंने साफ कहा कि 117 नेताओं में से 5 नेता पार्टी अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 112 नेता अभी भी पक्ष में है। उनका कहना है कि ये एकजुटता पार्टी को टूटने नहीं देगी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सरना ने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहती है। जिहड़ी बीजेपी हैगी ओह सारियां जिहड़ियां स्टेट्स पार्टीज रीजनल पार्टीज हैगियां उन्हां नूं कमजोर करना चाहदियां, खत्म करना चाहदियां। असीं नहीं खत्म होण देना चाहते। बता दें कि अकाली दल का इतिहास काफी पुराना रहा है। ये सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक गिनी जाती है। इससे पहले भी पार्टी कई मौके पर बिखरती हुई नजर आई है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी। उसके बाद पार्टी में कई बार फूट देखी गई। सुखमुख सिंह छब्बाल शिरोमणि अकाली दल के पहले और बाबा खड़क सिंह इसके दूसरे अध्यक्ष थे। इसी तरह मास्टर तारा सिंह पार्टी के तीसरे अध्यक्ष बने। अब इसी क्रम में सुखबीर सिंह बादल पार्टी के 21वें अध्यक्ष हैं, जिन्हें लेकर पार्टी के कुछ बागी नेता ये मांग कर रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि हरसिमरत कौर और पार्टी के जो नेता हैं परमजीत सिंह सरना, उनका कहना यही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस खिलाने के लिए जो महाराष्ट्र में कर चुकी है वही सब अब पंजाब में भी दोहराना चाहती है। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ के साथ।